So now we'll be solving a common integral for Pareto distribution. Now this is used in reinsurance. Yahan pe what we'll do is we'll just try to solve it, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू परेटो एंड वी हैव जस्ट सॉल्व फॉर सी डी एफ एंड एक्सपेक्टेशन, तो हम लोग इसको ईजीली कर पाएंगे अभी सॉल्व. बाद में वील डिस्कस अबाउट दिस कि हर एक टर्म का क्या मतलब है. अभी के लिए वील जस्ट फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, बट बाद में वील लेटर ऑन वेन वील डू द री इंश्योरेंस चैप्टर, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, सो इट्स रियली सिंपल एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. जैसे अभी तक हमने सी डी एफ निकाले, इन द सिमिलर मैनर वील टेक आउट द एंड इन द मैनर विच वी हैव टेकन आउट द एक्सपेक्टेशन, उसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम राइटिंग द इक्वेशन यहाँ पे. यू ऑल कैन स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर सेल्स. ठीक है, मेरे करने के पहले अगर नहीं समझ में आए तो मैं जैसे जैसे करते जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे मेरे साथ फॉलो करते जाना. एंड मेक श्योर जैसे जैसे आई एम राइटिंग यू आर ऑल्सो मेकिंग द नोट्स. डू नॉट वेट फॉर मी टू डू द इंटायर थिंग एंड देन डू, ऐसे नहीं. साथ साथ करते रहोगे तो सीख समझते भी रहोगे कि क्या हो रहा है. एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो वील स्टार्ट विथ आई वन. सो दिस इज द इंटीग्रल. Now the integral is 0 to m. Let me just reduce the size of this pen. Okay. So the integral goes like 0 to m. 0 to m. Now what is m and ye sare terms ka meaning, integrals ka meaning hum samjhenge jab hum log reinsurance chapter padhenge. Abhi ke liye we'll just focus on the solving portion on as to how we can solve easily this. And now here x follows Pareto. We are just abhi in Pareto distribution. Okay, so m0 m to infinity. I will discuss everything, what is m and what is the meaning of each integral when we'll do the reinsurance chapter. ठीक है, तो ये हम लोग का integrals दिए हुए हैं, इसको हमें solve करना है. ठीक है, we'll follow what we have done in our expectation when we were calculating for expectation. तो अभी के लिए वी विल जस्ट एक्सपैंड द एफेक्ट्स. अभी तक आपको आई थिंक याद हो चुका होगा कि वॉट एफेक्ट्स इज जीरो से लेके एम. करेक्ट, नाउ वॉट इज एफेक्ट्स पी डी एफ ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद हो गया होगा अभी तक. इफ नॉट, अल्फा लैमडा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लैमडा होल टू द पावर अल्फा प्लस वन डी एक्स. ठीक है, तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, एफेक्ट्स दिया हुआ है प्लस. नाउ वॉट इज दिस थिंग, ये क्या है, वॉट इज दिस, इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं. ये एक स्टेप में और आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली टेस्टिंग कि आपको कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर आते हैं ऑफ सी टी थ्री एंड सी एस वन. करेक्ट, तो ये हो गया मेरा सी डी एफ पी डी एफ का एक्सपेंशन. तो बताना व्हाट इज़ द सेकेंड इंटीग्रल. सेकेंड इंटीग्रल क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट इन अ सिंपलर फॉर्म. जस्ट थिंक फॉर इट कि क्या हम निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट. नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, दिस इज नथिंग बट, ये इंटीग्रल क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर दैन व्हाट, एम. अब समझो कैसे लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सी डी एफ, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं. ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इन ईजियर टर्म्स. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ये हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन एम. क्या ये यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एम. करेक्ट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एम. And what is this? This is nothing but the CDF. सही है, सही है. तो इसको अब हम ऐसे कर सकते हैं. So can we write this in form of this? Can we write this in form of 1 minus the CDF? Yes, we can. तो इसको हम लोग easier way में कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेके m x alpha lambda to the power alpha x plus lambda whole to the power alpha plus 1 dx. ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, m 1 minus cdf, 1 minus cdf, देख लो 1 minus cdf. कैन वी राइट दिस, ये मैंने समझा दिया इधर,
ये मैंने इधर समझा दिया कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट कैसे हमने किया है इसको? आराम से समझ लो, वेरी सिंपल. एम से लेके इन्फिनिटी तक आप पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हो. दिस इज नथिंग बट यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर दैन एम, विच इज नथिंग बट 1 माइनस ईडीएफ. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया. अब इसके बाद नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. क्या ये सेम इंटीग्रल, क्या ये सेम इंटीग्रल हमने किया है कहीं? क्या ये सेम इंटीग्रल हमने कहीं किया है? सेम इंटीग्रल, ये सेम इंटीग्रल हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. यू जस्ट जस्ट वील फर्स्ट वील मैच द थिंग्स. जीरो से लेके एम तक वी आर इंटीग्रेटिंग एक्स एंड एफ एक्स. सो इज इट सेम एज दिस? इज इट सेम एज दिस? जस्ट द डिफरेंस इज यहाँ पे वी वर इंटीग्रेटिंग व्हेन वी वर फाइंडिंग आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का. हम यहाँ पे जो निकाल रहे थे प्रूफ, उसमें हमने क्या किया था? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया एक्स एफ एक्स को. यहाँ पे वी आर इंटीग्रेटिंग जीरो से लेके एम तक. सो इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी इट इज एन एम ओवर हियर, बट द इंटीग्रल इज से इंटीग्रल के अंदर जो है वो सेम है. एक्स एफ एक्स देख रहे हो, एक्स एफ एक्स. एंड यहाँ पे भी हमने किया है एक्स एफ एक्स सॉल्व. जीरो से लेके इन्फिनिटी है, वहाँ पे जीरो से लेके एम है. तो हम लोग क्या स्ट्रेट अवे कैन वी राइट दिस स्ट्रेट अवे और दिस स्ट्रेट अवे? बताओ, कैन वी राइट दिस स्ट्रेट अवे इंस्टेड? बोलो. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी वील जस्ट हैव टू टेक वॉट? एम. टेक एम, क्योंकि इंटीग्रल तो सेम सॉल्व किया है हमने एक्स एफ एक्स का. यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी था. अगर आप एक बार पेज फ्लिप करके देखो, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं जीरो से लेके एम तक. यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं जीरो से लेके एम तक. क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग इस इंटीग्रल को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ अच्छे से. क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम लोग ये पूरा चीज़ लिख सकते हैं? जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी हम क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे. ठीक है, क्लियर है? देख लो, क्लियर है? ओके, चलो. सो लेट्स सॉल्व दिस. सिंपल हो गया अब तो एकदम. ये अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है करने को. चलो, सो हमें इसके बदले ये पूरा जो मैंने इधर मार्क किया सब्स्टिट्यूट करना है. तो यू ऑल कैन जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड चेक. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, ये हमारा आ जाएगा कॉमन. फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या था? 1 बाय अल्फा माइनस 1. देख लो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ मैंने क्या किया है ना, मैंने जस्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ माइनस अल्फा प्लस वन मैंने माइनस कॉमन ले लिया. इट्स द सेम थिंग, यू ऑल कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस एज वेल, आंसर सेम आएगा. आई हैव जस्ट टेकन द माइनस कॉमन, डजेंट मैटर. ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया. सो आई मेक इट इंस्टेड ऑफ माइनस अल्फा प्लस वन मैंने क्या कर दिया, अल्फा माइनस वन, एंड मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया. ठीक है, सो लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन, इंस्टेड ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी वी आर राइटिंग जीरो टू एम. ठीक है, जीरो टू एम. सेकेंड वाला इंटीग्रल क्या था? सेकेंड वाला क्या था? प्लस लैम्डा 1 बाय अल्फा एक्स प्लस लैम्डा होल टू द पावर अल्फा. ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं. प्लस इसको भी लिख लेते हैं.
ठीक है एक बार पूरा मैं स्क्रीन वो कर देती हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए. ओके ठीक है. नाउ दिस वाज लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा जीरो से एम तक. इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी इट गो फ्रॉम जीरो टू एम. चलो कर लो सॉल्व एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस एज वेल साइड में. कर लो इसको सॉल्व यहाँ तक. जस्ट यू हैव टू कॉपी द सेम इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है यहाँ तक. यहाँ से लेके यहाँ तक द सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल विच इज़ दिस जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है इज एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर इज एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल ओवर अगेन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल ओवर अगेन हम क्या करेंगे वी विल जस्ट टेक द फर्स्ट पोर्शन. ठीक है वी विल जस्ट टेक द आपको एग्जाम में अगर ये वाला पार्ट आता है ये क्वेश्चन आता है यू विल हैव टू सॉल्व दैट इंटायर पोर्शन अगेन फॉर दिस इंटीग्रल. ठीक है फॉर दिस इंटीग्रल आपको वो पूरा पोर्शन जो हमने यहाँ पे किया है दिस इंटायर पोर्शन विच आई हैव मार्क्ड यू हैव टू सॉल्व इट अगेन इन द क्वेश्चन दिस इंटायर पोर्शन. क्लियर है दिस इंटायर पोर्शन यू हैव टू सॉल्व इट अगेन. चलो इसको कॉपी कर लो अच्छे से इसको कॉपी कर लो अच्छे से. इसके बाद इसको अब हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इसके. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा अंदर क्या हो जाएगा पहले एम डालेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स दिस इज एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स एम डालेंगे वन अल्फा माइनस वन लैम्डा प्लस एम टू द पावर अल्फा माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन दिस विल बी लैम्डा प्लस ज़ीरो सो लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन प्लस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर अल्फा एंड ये क्या एक और टर्म क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स की जगह पे वील टेक ज़ीरो नाउ वील टेक ज़ीरो नाउ सो दिस विल बिकम माइनस लैम्डा टू द पावर अल्फा. क्लियर है कर लो इसको जल्दी से कर लो इसको जल्दी से एंड प्लस एम ये वाला टर्म मत भूलना ये वाला टर्म मत भूल जाना. ठीक है नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू इज एक चीज देखो इसको एंड इसको कैन वी टेक दीज टू कॉमन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम इधर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम इधर एंड ऑल्सो इन दिस एंड दिस कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कुछ कॉमन निकाल सकते हैं फॉर द रेड वंस विच आई हैव मार्क्ड ओवर हियर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं वन बाय लैम्डा प्लस एम एंड टू दी पार क्या हो जाएगा अल्फा माइनस वन. ठीक है अल्फा माइनस वन हम कॉमन ले सकते हैं एंड फॉर द वंस विच आई हैव मार्क्ड इन ब्लू इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं वन बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं. ठीक है तो दोनों इंटीग्रल्स कॉमन दोनों इक्वेशंस कॉमन ले लेते हैं दोनों फ्रैक्शंस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा यहाँ मैंने क्या बोला लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर
अल्फा माइनस वन कॉमन लेना है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस वन अल्फा माइनस वन, ठीक है, एंड इसमें क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा, एंड एक लैम्डा प्लस एम वाला टर्म जो बच रहा है, ये वाला क्लियर है। मैंने ये वाला भी ब्रैकेट खोल दिया, मैंने ये वाला भी ब्रैकेट खोल दिया और इस टर्म को भी कॉमन ले लिया, क्लियर है, देख लो, देख लो ठीक से, इसको भी कर लेते हैं। अल्फा लैम्डा ये वाला जो पोर्शन है, अल्फा लैम्डा टू दी पार अल्फा डिवाइडेड बाय क्या कॉमन लेना है हमें, ब्लू वाले में, मैं ब्लू वाला कर रही हूँ, अब ब्लू वाले में क्या कॉमन लेना है, लैम्डा टू दी पार अल्फा माइनस वन, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन माइनस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा, एंड एक टर्म बच रहा है लैम्डा का, देख लो, एंड एक टर्म बच रहा है लैम्डा का, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डू नॉट फॉरगेट टू राइट द CDF वाला सेकेंड वाला इंटीग्रल, ठीक है, क्लियर है अभी, क्लियर है अभी, कैसे कर रहे हैं, क्लियर है कैसे कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद व्हाट वी कैन डू लेट्स टेक द LCM, और कैसे सॉल्व करेंगे, LCM ले लेते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इक्वेशंस हैं इनका इनका एंड इनका LCM ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, ठीक है, चलो लेट्स डू इट, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर लैम्डा माइनस वन, ठीक है, अब इसका LCM ले लो, अब इसका LCM ले लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हम ले लेंगे माइनस अल्फा लैम्डा प्लस अल्फा एम, प्लस नहीं होगा माइनस आएगा, खुद से करना है, LCM लेना है वेरी सिंपल, प्लस अल्फा लैम्डा माइनस लैम्डा, क्लियर है, क्लियर है, देख लो, देख लो, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा लैम्डा अल्फा माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है, कर लो इसको, कर लो इसको, अब दिख रहे हैं सॉल्व होते हुए पूरा, सॉल्व होते हुए दिख रहा है पूरा, सारे कैंसिल आउट जो भी टर्म्स हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल आउट, यहाँ भी क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, अल्फा एंड अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, ठीक है, और कोई टर्म तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कर लो इसको सॉल्व, माइनस लैम्डा टू दी पावर अल्फा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, लैम्डा मैंने माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर जो है, अल्फा एम प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन लैम्डा प्लस एम
होल टू द पावर अल्फा। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब दूसरे वाले में क्या बच रहा है, लैम्डा टू द पावर अल्फा, लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन। देख लो क्लियर है, देख लो क्लियर है, क्लियर है। और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक इट मोर सिंपल, वी कैन सिंप्लीफाई दिस मोर, वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन मोर। व्हाट इज वन माइनस सी डी एफ, सी डी एफ क्या था, सी डी एफ हमने निकाला है ऊपर, सी डी एफ वॉज वन माइनस लैमडा डिवाइडेड बाई लैमडा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा। तो ये है वन माइनस सी डी एफ, तो क्या हो जाएगा, लैमडा डिवाइडेड बाई लैमडा प्लस एम होल टू द पावर अल्फा, वन वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये दोनों लैम्डा है, लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा माइनस वन, तो ये ऊपर में खाली लैम्डा बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज ओनली लैम्डा। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, मैं दिखा रही हूँ, दिस दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा माइनस वन, तो उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर, कर लो इसको सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व, अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तक कर लो आराम से पहले, यहाँ तक कर लो आराम से पहले। क्लियर है, यहाँ तक हो गया सबका, सब कुछ कैंसिल आउट हो रहे। तो पहले हमने स्टार्ट जहाँ से किया, सेकेंड इंटीग्रल वॉज नथिंग बट वन माइनस सी डी एफ, ठीक है, एम टाइम्स वन माइनस सी डी एफ। फर्स्ट इंटीग्रल जो था वो एकदम एग्जैक्टली सेम सेम मैनर में था जैसे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला था, इंस्टेड ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी इट वॉज जीरो टू एम, तो हमने इन्फिनिटी की जगह पे एम को सब्सटीट्यूट करके हमने उसको सॉल्व किया है। फिर हमने बस जो इंटीग्रल्स कॉमन आ, जो भी इक्वेशंस फ्रैक्शंस कॉमन आ रहे थे उसको हमने कॉमन ले लिया एंड बाकी एलसीएम लेके सारे कट गए। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगेन वी कैन सी कि कुछ कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें एंड इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें एंड इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन लेने, लैम्डा प्लस एम तो दिख रहा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी अल्फा, लैम्डा टू द पावर अल्फा दिख रहा है, लैम्डा टू द पावर अल्फा कॉमन दिख रहा है, मैं मार्क कर देती हूँ, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन आर कॉमन, देख लो एक बार जल्दी से, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन जो मैंने मार्क किए कॉमन है। ऑल्सो ऑल्सो व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो कॉमन, दिस इज ऑल्सो कॉमन, कॉमन ले ले इसको, चलो करते हैं फिर, दिख रहा है हमें कि क्या कॉमन मिल रहा है। सो लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एम होल टू दी पार अल्फा, ये हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस लैम्डा प्लस अल्फा एम डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन प्लस एम प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन। देख लो, देख लो सही है कि नहीं, देख लो, अब इसको कर लो, एलसीएम ले लो लाइक वी ऑलवेज डू, माइनस एम कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है,
कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है? दिस एंड दिस क्लियर है? और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और तो कुछ कैंसिल आउट मुझे नहीं दिख रहा। अब बस इसको खोलते हैं ब्रैकेट्स को। वी आर जस्ट ऑलमोस्ट डन, वन और टू लाइन्स मोर एंड देन वी आर डन। यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस लैम्डा है एंड माइनस एम है। कैन वी टेक माइनस कॉमन? कैन वी टेक माइनस कॉमन? एंड माइनस कॉमन लेके कैन वी मेक, कैन वी चेंज समथिंग? बताओ, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम? चलो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। लैम्डा प्लस एम डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन प्लस लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है? अभी भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है शायद, अभी भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। दिस थिंग हो रहे कैंसिल? चलो कर दो कैंसिल आउट, जो भी हो रहा है, जो भी पोर्शन हो रहा है। ट्राई करो खुद से करने का। अब अ फाइनल सोल्यूशन तुम लोग ला सकते हो। नाउ जस्ट वन मोर लाइन लेफ्ट, फाइनल सोल्यूशन ला सकते हो अब। ट्राई करो अब खुद से करने का। CS2 में वील हैव टू स्पेंड एवरी डे और 2 आवर्स ऑफ क्लास हमें करना है, ठीक है? एंड देन सेल्फ स्टडी विल बी ऑफ अराउंड 3 to 4 आवर्स अभी के लिए। देन एज एंड वेन वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स एग्जाम, आई विल गाइड यू कि कितना टाइम इंक्रीज होगा। फॉर नाउ यू कैन स्पेंड 5 to 6 आवर्स ऑन CS2 एवरी डे विथ क्लास एंड नोट्स। तो क्लास में जो नोट्स बना रहे हो, गो थ्रू द नोट्स वेरी नाइसली, देन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन अलग से कॉपी में। जो हमने डेरिवेशन अभी तक किए हैं, जो हमने प्रूफिंग किए, डेरिवेशन नहीं, प्रूफिंग जो हमने कराए अभी तक, वो सारे प्रूफ्स प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन अगेन घर पे अलग से विदाउट सीइंग। ट्राई टू डू इट विदाउट सीइंग योर कॉपी, क्लास कॉपी। क्लास कॉपी एकदम अलग से रखो, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नोट्स विच आई विल गिव यू इन CS2। बहुत सारे नोट्स होंगे, तो मे बी आई थिंक 2 कॉपी तो फुल हो जाएगा आपका। तो वो जो क्लास कॉपी के नोट्स होंगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? फॉर रिविजन। जब एग्जाम के पहले यू ऑल कॉल एंड आस्क कि 3 डेज बचाए क्या करें, 4 डेज बचाए, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। गो थ्रू द कॉपी अलॉट, गो थ्रू द नोट्स अलॉट एज मच एज पॉसिबल, जितना भी आप कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो, मटीरियल रीड करना है। आई विल गाइड यू एवरीथिंग। अभी के लिए जस्ट वॉच द क्लास, घर जाओ, कॉपी वापस से रीड करो एंड ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन अगेन, ठीक है? सो नाउ क्या बच रहा है हम लोग का? हम लोग इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन, माइनस ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम लैम्डा टू दी पावर अल्फा, ठीक है? मैंने माइनस बाहर ले लिया है। और क्या बचेगा? अल्फा माइनस वन एंड दिस विल बी लैम्डा प्लस वन होल टू दी पावर अल्फा माइनस वन। क्या यही बचेगा फाइनली? एक बार देख लो तो, क्या यही आपका आंसर आया था? यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं। क्या यही आपका आंसर आया था? नाउ वॉट इज दिस टर्म? नाउ टेल मी कि ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है? टेल मी व्हाट इज द टर्म विच आई हैव मार्क्ड इन ग्रीन? दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन, याद आ रहा है? दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अभी के लिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, कि ये एम क्या सिग्निफाई कर रहा है एंड एक्सपेक्टेशन से हम किसको माइनस करें। एवरी थिंग आई विल एक्सप्लेन वेन वी डू री इंश्योरेंस। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू ऑल दिस प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ तब काम आएगा। तो जब आप करोगे, तब आपको फिर से वापस बहुत रेफर बैक करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के कैलकुलेशन को। यहाँ पे अभी आपने जो सीखा है, सो यू विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर, ठीक है? तो दिस वॉज द इंटायर प्रूफ विच वी हैव डन।
डू इट एट योर ओन पेस, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने काफ़ी स्लो स्लो करवाया है. एंड इसके बाद वील स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, इसके बाद वील स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. क्लियर है? क्लियर है? ओके.